आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है, अमंग द थ्री आइसोटोप्स ऑफ नियॉन है ना, द न्यूक्लियस विद द लोएस्ट एन बाई पी रेशियो, मतलब हमें क्या है, थ्री नियॉन के क्या है, थ्री तीन आइसोटोप दिए हुए हैं, ठीक, आइसोटोप दिए हुए हैं जिनका क्या है 10, 20, 10, 21 एंड 10, 22, ठीक है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा है जो क्या होगा, जिसका एन बाई पी का जो रेशियो होगा, मतलब न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का जो रेशियो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, लोवेस्ट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आइसोटोप होता क्या है, ठीक है। आइसोटोप जो होता है, आइसोटोप कहने का मतलब ये होता है कि आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है कि सेम, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और टोप्स में यहाँ पे क्या है, पी है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि सेम प्रोटॉन, ठीक है। पी का मतलब क्या होता है, सेम प्रोटॉन। तो ये बोल सकते हैं कि वे वे न्यूक्लियस जिनमें क्या हो कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोटोप बोलेंगे, ठीक है। और प्रोटॉन हमारा क्या होता है बेसिकली, कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जिन एक ही परमाणु के अलग अलग भार वाले क्या होंगे, हमारे आइसोटोप्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे नियोन दिया हुआ है, तो नियोन का क्या है, ये सारे नियोन है लेकिन इसमें क्या है कि इनका भार क्या है, अलग अलग, एक का 20, एक का 21, एक का 22, क्लियर है। तो अगर हम ध्यान देंगे तो जो एटॉमिक, मतलब कोई एक हम ले रैंडम, मतलब एक इस प्रकार से जिसका क्या हो कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, जेड है, और मास नंबर क्या है, ए, ठीक है। तो जो मास नंबर होता है ए, वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारा होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही तो होता है, क्लियर है कि नहीं, वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन जो हमारा होता है, वो किसके इक्वल होता है, उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, क्लियर है। इसका मतलब हम ए बोल सकते हैं, अगर हम यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या देखें, यहाँ से अगर न्यूट्रॉन की संख्या, वो क्या मिलेगा हमें, एन की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा ए माइनस पी, क्लियर है। हमें क्या मिलेगा, एन माइनस पी, और पी बेसिकली हमारा क्या है, जेड, यानी हमारा क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो अगर हम 10 20 नियॉन को देखें है ना, 10 20 नियॉन को देखें, तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा जो प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एटॉमिक नंबर कितना है, 10, इसका मतलब प्रोटॉन भी कितने होंगे, 10, और न्यूट्रॉन बेसिकली कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 है कि नहीं, यहाँ पे क्या है, ए माइनस जेड है, तो उससे क्या आ जाएगा हमारा, 20 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा बेसिकली, ये न्यूट्रॉन भी क्या आ जाएंगे, 10। उसी प्रकार से हम दूसरे किस को देखें, 10 21 वाले को देखें है ना, 10 21 वाले के लिए, इसमें हमारा प्रोटॉन की संख्या फिर से कितना हो जाएगा, 10, लेकिन इस बार न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 21 माइनस 10, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू होगी 11। और थर्ड हमारा क्या है, 22 10, थर्ड हमारा क्या है, 22 10, इसमें हमारा फिर से प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 10, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा इसमें, 12, क्लियर है, न्यूट्रॉन संख्या कितना हो जाएगा, 12। तो अगर हम n बाई पी का रेशियो देखें सबके लिए है ना, अगर हम n बाई पी का रेशियो देखें सबके लिए, तो इसमें 10 बाई 10 क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, 10 बाई 10, बेसिकली इसकी वैल्यू 1 होगी, इसके लिए क्या हो जाएगा, 11 बाई 10, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.1, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 12 बाई 10, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.2, यानी हमारा सबसे लोएस्ट किसके लिए है, 20 10 के लिए है कि नहीं, सबसे लोएस्ट हमारा किसके लिए है, 20 10 के लिए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 20 10, क्लियर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, नियॉन 10 20। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।